इधर आओ पर्व है और हम सब मानते हैं कि जाति दल धर्म बिरादरी से ऊपर उठकर इतने बड़े राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। देश में इतनी चुनौतियां हैं और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपसे मतभेद भी अगर किसी को हो उनको भुलाकर राष्ट्र का नव निर्माण करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देशवासियों को बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हमारा आजादी का दिन और 7 दशक पहले जब देश आजाद हुआ था सबसे लेकर आज तक बहुत लंबा सफर हमारे देश ने तय किया है और आज भी जो हमारे सामने समाज में देश में मुल्क में चुनौतियां हैं उसका सामना कर विजय होने का संकल्प हम सब लोग ले रहे हैं। आपसी मतभेद भुलाकर आज राष्ट्र का नवनिर्माण करना हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और खासकर जो नौजवान तबका है आज अधिकांश जनसंख्या हमारी नौजवानों की है और उन लोगों को याद करना चाहिए कि किस मुश्किलात के साथ हम लोगों ने देश की आजादी पाई थी। आजाद देश को 21वीं शताब्दी के भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सब लोगों के ऊपर है। सब समाज के लोग धर्म जाति के लोग मिलकर विभिन्नता में एकता की मूल मंत्र को याद करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं ऐसा मानता हूं कि अलग अलग राजनीतिक दल हो संगठन हो हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो विचारधारा कुछ भी हो देश और देश प्रेम सर्वप्रिय है। सबसे ऊपर मुल्क आता है देश आता है उसके बाद अन्य है, इसलिए पूरे दुनिया भर के लोगों की नजर आज टिकी है हमारे देश के ऊपर भारतवर्ष के ऊपर और हम सबकी जिम्मेदारी है खासकर जो लोग जनसेवा में या राजनीति में है हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रति समर्पित होकर काम करें और हर क्षेत्र में एकजुटता के साथ काम करते दिखने चाहिए। भारत की सुरक्षा एकता और अखंडता हम सबके लिए बराबर है। हम चाहे आज पूरा देश बहुत स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत ही पर्व के रूप में मना रहा है और मैं इस वास्ते पूरे देशवासियों को प्रदेशवासियों को मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत ही अत्यंत की गहराइयों से उनको बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज देश जो है इसके साथ मना रहा है और आम आदमी परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता है कि आने वाला समय हमारे देश और देशवासियों के लिए अच्छा हो। हम सब आपस में एकता और समर्पण हैं क्योंकि आज जिस तरीके से देश के अंदर एकता और अखंडता को कहीं कहीं ठेस पहुंचाने का काम जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है उसको रोकने के लिए अपने प्रजातंत्र को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको एकता और समर्पण से मजबूत तरीके से भारत देश के अंदर सुरक्षित एकता संकल्प आए हैं। इस वास्ते हम सबको पूरी मेहनत और लगन से आगे आने वाले समय के अंदर काम करना।